ये बतला रहा हूँ, यहाँ का स्पेसिंग बहुत निचल का लेयर का, ये कैंटिलीवर जो है, कैंटिलीवर का जो है निचल का स्पेसिंग बहुत कम है, क्योंकि इस सब आकर यहाँ पर हंच हो रहा है सब आकर। और इधर का जो बटम है, बटम का जो मेन रड है, ये कहाँ तक आ रहा है आपको, यहाँ तक सिर्फ आता है, ये गर्डर तक मात्र आता है बटम लेयर का मेन रड। इधर का बटम लेयर ये उधर से आया हुआ नहीं है, ये यहाँ कर तो हंच हो रहा है सब। हाँ, ऊपर का लेयर का मेन रड लेकिन वहाँ तक गया है, अभी स्लॉप होते होते इस तरह से गया है। दूसरा बात, ये कैंटिलीवर का स्लॉप ऊपर से भी ऐसे है, और इसका जो लेयर है नीचे है, इसका लेयर से नीचे है ये, क्योंकि यहाँ पर हंच हो रहा है, यहाँ पर हंच हो रहा है, तो ये जो है यहाँ से इस तरह से गया है उसका, इस तरह से गया है उसका लेवल नीचा है, पूरे कैंटिलीवर का लेवल नीचा है, इसलिए भी हो पाया क्योंकि उधर का बटम लेयर यहाँ का हंच हो रहा है, और ये हंच वाला रड से नीचा है इसका, इसका जो है बटम लेयर का रड ये नीचा है, उसका हंच हुआ रड से यहाँ नीचा है, इसका हंच हुआ जो है उधर से आया हुआ बटम लेयर हंच हो के यहाँ से उठ के जा रहा है, ये हंच वाला उससे नीचा है इसका बटम लेयर, तब यहाँ पर हंच हो रहा है, ये जो है ना इस तरह से यहाँ पर दिया गया है हंच के लिए, यहाँ पर हंच हुआ है। अब देखने के लिए आपको बतलाए थे, इधर भी ये मान लीजिए इंटरमीडिएट गर्डर है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी एक्स्ट्रा बार जो दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी एक्स्ट्रा बार दिया गया है, तो एकदम सघन मेस जैसे बन रहा है, जैसे इस तरह से इधर हो रहा है डबल, क्योंकि ऊपर का लेयर का जो अपना रड है मेन रड वही है, और उधर से आया हुआ जो हंच है वो भी दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ जैसे सघन लग रहा है, उसी तरह से इस साइड में भी एक्स्ट्रा बार दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी एक्स्ट्रा बार कहाँ तक आया है आपको देखिए, इंटरमीडिएट गर्डर से यहाँ तक आया है जो एक्स्ट्रा बार दिया गया है, देखते हैं ये सब एक्स्ट्रा बार है, ये सब एक्स्ट्रा बार है।